हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। सुलक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा कैनवास और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना रेक्टेंगल टूल और देन हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसे हम ऐसे टिल्ट करेंगे देन ओके। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और फिर से हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसे लेफ्ट अलाइन करेंगे और इनके कलर को पहले कर देते हैं चेंज। तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा लेते हैं ब्राइट कलर, तो मैं ये ले रही हूं, और नीचे वाले के लिए डार्क। देन हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड लेयर एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर देन ओके। और अब हम यहां आएंगे और यहां से अपने प्रोडक्ट को करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और इसका कलर कुछ सही नहीं है तो पहले हम इसे कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और सॉलिड कलर, तो हम यहां से ब्राइट कलर ले लेते हैं और इसे हम करेंगे क्लिपिंग मार्क्स। देन हम ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे और यहां से हम इसे करेंगे कलर, तो इसे कलर को थोड़ा और डार्क कर लेते हैं एंड ओके। यहां पे कुछ ज्यादा ही व्हाइट दिख रहा तो हमने क्या करना है, हम उससे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे और जितना भी जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है हम उसे सिलेक्शन बनाते हैं। और अब हम ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड लेयर मार्क ऐड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं एंड देन जो हमारा फीचर है उसे हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, देन हम सिलेक्ट करेंगे ब्रश टूल और यहां से हम लेंगे ब्राइट कलर और पहले इसे हाइड कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसे ब्लेंडिंग मोड को हम करेंगे स्क्रीन। फिर से हम एक न्यू लेयर लेंगे और इसे हम करेंगे क्लिपिंग मार्क्स, कलर सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम लेते हैं ब्राइट कलर और ब्लेंडिंग मोड हम फिर से चेंज करेंगे स्क्रीन। देन हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और क्लिपिंग मार्क्स करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा साइड वाला पार्ट है हम यहाँ पे थोड़ा ग्लो डालेंगे, ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स और इस बार और लेते हैं ब्राइट कलर, ब्लेंडिंग मोड हम कर देंगे लीनियर डोज, ओपेसिटी कम करेंगे एंड देन हम एक न्यू लेयर लेंगे और रेक्टेंगल मास्क टूल सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम बनाएंगे एक सिलेक्शन और इसमें हम फिल करेंगे व्हाइट कलर, जो हमारा व्हाइट कलर है वो हमारा बैकग्राउंड में है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल बैकस्पेस एंड कंट्रोल डी, लेयर मार्क ऐड करेंगे एंड ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहां से थोड़ा हम इसे इरेज करते हैं, इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके देखते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट लाइट परफेक्ट। एंड अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देते हैं ग्रुप, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, अब इसे हम ऑन कर देते हैं, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे एंड देन हम ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम इस कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा ग्लो देते हैं, इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं, ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे स्क्रीन, अगेन टेक कर न्यू लेयर। और अब हम यहां आएंगे और यहां से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे हम लेके आते हैं नीचे और इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे और इसे हम करेंगे लीनियर डोज,
फिल्टर पे जाएंगे एंड गॉजियन ब्लर, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे एंड ब्रश टूल, और अब हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहां से हम क्लिक करेंगे व्यू सैचुरेशन, क्लिपिंग मार्क्स करेंगे और जो सैचुरेशन है हम उसे -100 कर देंगे। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम लेते हैं ब्राइट कलर और यहां अप्लाई करते हैं, ओपेसिटी फुल करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे सॉफ्ट, इसे हम लॉक करते हैं एंड देन हम इसे ऊपर करेंगे। और अब हम इसके नीचे बनाएंगे शेडो, तो पहले बैकग्राउंड वाले जितने भी लेयर्स हैं उनको हम कर देते हैं ग्रुप, और इसके नीचे हम बनाएंगे शेडो, तो उसके लिए लेंगे, अब हम इसके नीचे बनाना है शेडो, तो हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहां से हम बनाएंगे एक सिलेक्शन, ब्लैक कलर फिल करते हैं, कंट्रोल डी, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर, फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर, और अब हम ऐड करेंगे लेयर मार्क्स और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट, कलर चेंज करते हैं, ओपेसिटी कम करते हैं, देन हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज करते हैं, और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा और डार्कनेस चाहिए क्योंकि ये पूरा नेचुरल नहीं लग रहा है या फिर मजा नहीं आ रहा, तो देन हम इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से हम क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो, ओपेसिटी फुल करते हैं एंड डिस्टेंस कम करेंगे, साइज भी कम करते हैं एंड ओके। अब हम राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर, देन ओके, तब हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और यहां पर बनाएंगे हम सिलेक्शन, लेयर मार्क से ऐड करेंगे और हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ओके, और अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड कर्व, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और साइड से हम इरेज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लो चाहिए, हम इसे सिलेक्शन बनाएंगे तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट पिक्सल, देन हम सिलेक्ट पे जाएंगे और यहां से हम करेंगे मॉडिफाई, देन कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट हम रखेंगे 5 एंड ओके, और अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट आइकन पे एंड एक्सपोजर, और जो एक्सपोजर हम इसे इंक्रीज करते हैं गामा करेक्शन में कम करेंगे, लेयर पे आएंगे और जो हमारा जो लेयर मार्क्स है उसे हम इन्वर्ट करेंगे, उसके लिए करेंगे कंट्रोल आई एंड देन हम डबल क्लिक करेंगे और जो उसका फीचर है उसे हम इंक्रीज करेंगे, इससे देखिए क्या हुआ, जो हमारे साइड से है वहां से थोड़ा हमें ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि मुझे ये साइड से ग्लो चाहिए था, सेंटर में नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने ऐसे किया क्योंकि, तो इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके, या फिर आप पेन टूल से भी सिलेक्शन बना के कर सकते हो या फिर आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करिए, तो मुझे ये सही लगा, तो ये देखिए, लेकिन जो हमारे नीचे से भी हो गया तो उसे हम इरेज करेंगे, तो हम ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और जो नीचे वाले पार्ट था उसे हम इरेज कर देते हैं, और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे एंड व्हाइट कलर अप्लाई करते हैं एंड देन हम ग्लोइंग डालेंगे ऐसे, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज कर देते हैं, इसको कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम और ग्लो डाल देते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे फिर से कॉपी बनाते हैं, देन ये देखिए परफेक्ट, बैकग्राउंड का जो कलर उसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इतने पे। और अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देते हैं ग्रुप, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं एलिश टूल एंड देन यहाँ पे बनाते हैं सिलेक्शन, कलर चेंज करेंगे, डार्क ले लेते हैं, फिर से एक न्यू लेयर राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और ब्राइट कलर, ब्लेंडिंग मोड करते हैं हम स्क्रीन, फिर से कॉपी लेते हैं, साइज कम करेंगे एंड ओके। अब ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करके देखते रहेंगे, देन हम यहां से सिलेक्ट करते हैं लासो टूल और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिलेक्शन, न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे हम फिल करेंगे व्हाइट कलर, या फिर हम ये ले लेते हैं ब्राइट कलर एंड कंट्रोल डी, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड ओके। इसे हम कर देंगे क्लिपिंग मास्क, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और हम लेंगे ब्राइट कलर, ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, लीनियर टूल्स ओपेसिटी कम करेंगे और फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं और यहां से हम एक सिलेक्शन बनाते हैं और इसमें हम फिल करेंगे डार्क कलर, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ओपेसिटी कम करते हैं और इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देते हैं ग्रुप, साइज इंक्रीज करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क अप्लाई करते हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं लग रहा है, ये देखे, उसके लिए फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और ब्लैक कलर ले लेते हैं, फ्लो कम करेंगे एंड ओपेसिटी भी, यहां से हम शेडो भी थोड़ा अप्लाई कर लेंगे, अब हम ओपेसिटी कम करते हैं, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और यहां से हम इसे इरेज करते हैं, और इनको कर देंगे हम ग्रुप, पीछे हम इसे कॉपी करते हैं। और यहाँ पे हम इससे बनाएंगे शेडो, तो इसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहाँ से हम बनाएंगे सिलेक्शन, इसमें फिल करते हैं हम ब्लैक कलर, कंट्रोल डी, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर, फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा और ग्लोइंग इफेक्ट डालते हैं, उसके लिए हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई करते हैं, इन सभी को हम करेंगे मर्ज, तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, देन गो टू फिल्टर कैमरा रूम फिल्टर, ओके।
आई होप आप सभी को मेरा ये आज का डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।